हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अपडेट में आप लोगों को स्वागत है। आज है बैंक निफ्टी एक्सपायरी, तो हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का कौन सी सीई एंड कौन सी पीई के ऊपर हम किस लेवल पे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। यस गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम सर्कल ट्रेडर्स वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक दिन मिला के देखिए। अभी नोट कीजिए, मैं कौन सी सीई का किस लेवल पे बाई, कौन सी पीई का किस लेवल पे बाई बता रहा हूँ। बट उससे पहले हम ग्लोबल मार्केट का संकेत एंड ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, ये सारी चीज थोड़ा सा देखने का कोशिश करेंगे। गाइज देखिए, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था कल का दिन पे। हमारा ये अपस्टॉक का डिमांड अकाउंट है। आप अगर अपस्टॉक का अंदर डिमांड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 500 रुपीज आपको कैशबैक मिलता है, साथ में आपको 4 टेक्निकल एनालिसिस क्लास फ्री में मिलता है। जिन लोग विदाउट नॉलेज स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है कि आज से ही सर्किट ट्रेडर्स का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है और आप एक मिनिमम फीस के साथ सीखिए और फीस रिकवर कीजिए। ओके, फीस रिकवर का ट्रेड भी हम देते हैं। चलिए गाइज, तो यहाँ पे हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट कल के दिन पे 24,300 एंड 24,400 में भी पुट ओपन इंटरेस्ट अभी भी इंक्रीज है। तो हमें देखना होगा कि आप 400 के ऊपर ये जो पुट इंटरेस्ट है ये बरकरार रहेगा सुबह। अगर रहेगा तो आज का सेशन 400 से 500 का बीच में रहना चाहिए। तो 400 से 450 एंड 50 को रेजिस्टेंस पाके फिर से एक रेंज बाउंड फिर ऊपर, यानी कि कल का हम लिखे थे कि 24,480 एक लेवल में कल के दिन पे लिखा था मार्केट में। तो ये तभी हो पाएगा जब 24,400 के ऊपर स्टेबल होगा। तो इसके ऊपर डिटेल्स एनालिसिस कल के दिन पे हमने कर चुके थे हमारा निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में। हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट से क्या सिनेरियोज आ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से यूएस मार्केट का डाउ जोन जो है वो 23 पॉइंट माइनस है, बाकी मार्केट थोड़ी सी ग्रीन है। यूरोपियन मार्केट हल्की रेड जोन पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और गिफ्ट निफ्टी जो है 24,488 पे बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी 88 पे है, तो इंडियन मार्केट में हमारा जो फ्यूचर को छोड़ के गए थे वो भी हम 488 के आसपास ही छोड़ के गए थे। यानी कि मॉर्निंग का ओपनिंग जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कल के दिन पे FISDAX ने क्या किया है, तो FISDAX कंटिन्यू दो दिन से देखो यहाँ पे FIS ने बाइंग किया था, हल्की सी DIS ने बाइंग किया था, FIS ने फिर से अच्छा सा बाइंग किया है थोड़ा सा, फिर DIS ने थोड़ी सी बाइंग किया है। तो दो दिन से लगातार देख रहे हैं कि दोनों एक साथ काम कर रही हैं। ओके, बट आज का दिन देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी का चार्ट में ये ब्रेकआउट का जरूरी है, इस ब्रेकआउट के ऊपर स्टेबल करेगा तो आप क्लियरली कॉल साइड में ही व्यू बना के रखना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली आपको रेंज बाउंड सिनेरियो फिर से दिखता हुआ मिल सकता है, ठीक है। बट कंटिन्यू कुछ दिन HDFC बैंक डाउन होने के बाद, कंटिन्यू हमने देखे हैं जो HDFC बैंक का गुड न्यूज आने के बाद HDFC बैंक में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया और कल का सेशन पे हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अगर फिर से HDFC बैंक डाउन हो तो मार्केट को खराब कर सकता है। अभी हम चलते हैं कि हम कौन सी कॉल कौन सी पुट के ऊपर अच्छा ट्रेड बन सकता है। सबसे पहले हम निफ्टी में बात करते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे जो आज का एक्सपायरी है और अच्छा प्रॉफिट हमें करा सकता है। तो निफ्टी का 24,400 कॉल के ऊपर मेरा क्या व्यू है। सबसे पहला व्यू है कि ये जो कल का लेवल है क्या इस लेवल को पकड़ के ओपन हो रहा है। सबसे पहला देखना होगा आपको ये कि 107 से 110 के बीच में अगर पकड़ के स्टेबल हो रहा होगा तो यहाँ से हमारे को फिर से एक बार 119 से क्या है 10 से ये जो लेवल है इस लेवल तक का फर्स्टली एक टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर 97 से लेके और छोटी मोटी यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बन जाएगा 5-7 पॉइंट का। 97 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर 97 से नीचे चला गया ये कॉल ऑप्शन, अगर 97 से नीचे चला गया तो डेफिनेटली मार्केट वीक हो जाएगा और कॉल साइड के लिए। ओके, चलिए तो हमें क्लियर पॉइंट बता दिया हूँ, बहुत बड़ा एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ कॉल साइड में। बट कल का जो हाई है 130, ये 130 तक लेवल आपको धीरे धीरे दिखने के लिए मिल सकता है जबकि ये कॉल इस लेवल के ऊपर स्टेबल होगा। अच्छा से ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए पुट साइड का व्यू। हाँ, पुट साइड में कुछ अच्छा चीज नजर आ रहा है। बट ये अच्छा चीज तभी हो पाएगा जब 65 के ऊपर 24,400 का पुट स्टेबल करेगा। क्लियर, 65 के ऊपर स्टेबल करना चाहिए। अब फिर 70 के ऊपर स्टेबल कर जाएगा तो और अच्छा बन जाएगा, तो मुझे 70 से 80 तक का एक टारगेट आराम से मिलेगा। और फिर ये जो पुट है ये पुट धीरे धीरे अभी अप ट्रेंड में बन जाएगा। जब ये पुट 85-88 के ऊपर चला जाएगा तो समझ लेना हमारा पुट का दिन है आज, पुट साइड में रहना है आज, समझ गए सर। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखो ये जो मार्केट ओपन होने से पहले के एनालिसिस है ये अगर समझना है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग समझना है, ओके, डिसिप्लिन ट्रेडिंग समझना है, तो आज का क्लास आपके लिए है। तो जो नंबर 8222
9244412। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉलिंग कर सकते हैं। चलिए गाइस देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी का मैं बहुत क्लियरली आपको बताना चाहूंगा कि कॉल साइड देखो, कॉल साइड जो है कल एक पिन पॉइंट पे आके क्लोजिंग हुआ है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि 52,500 जो कॉल है, क्या वो 180 को लेवल को पकड़ के ओपन हो रहा है या उससे वीक ओपन हो रहा है। अगर इससे वीक ओपन होगा तो फाइनली सपोर्ट है इसका 150, ठीक है। 150 एक सपोर्ट है, जहां से ये सपोर्ट लेके आपको फिर से 15% to 20% मिनिमम एक टारगेट दे सकता है। अगर ये 140 से नीचे चला जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस 135 के नीचे चला जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं लूंगा। बट कभी भी, पहले भी वीडियो में बताया हूं, कभी भी डाउनवर्ड में एक ग्रीन कैंडल कम से कम बनेगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल होगा तभी हमें ट्रेड करना चाहिए। मैंने बोला हूं कि 150 के पास आए तो आप बाइंग कर लेना, और फटाक से आप 50 में ऑर्डर लगा के रखोगे, 50 टच करके 48 नीचे चला जाएगा, ये नहीं करना है। समझ में आया सर? देखो जितनी हो सके मैं इस वीडियो के मतलब से आपको सजेस्ट करने का कोशिश करता हूँ। देखो पुट साइड बहुत एक अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है कि कल यहाँ पे डबल बॉटम बना के लास्ट जो स्विंग हाई है इसे ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली आज भी मैं यही बात करूंगा कि ये पुट अगर आपको 200 के करीब मिल जाए और फिर आपको इस हाई को ब्रेक करता हुआ मिले, हाई क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो है ये हाई है आपको 16, यानी कि थोड़ा सा मुझे डाउन ओपन होने दीजिए, बहुत ज्यादा फटाक से नहीं भागना चाहिए। डाउन ओपन होके अगर ये 20 के ऊपर आता है तो डेफिनेटली आप इसमें एंट्री ले सकते हो। आपको स्टॉप लॉस बहुत क्लियर होगा इस ट्रेंड लाइन से नीचे, यानी कि 175 से नीचे, और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाए जो कि 250 के नियर अबाउट मेरा टारगेट यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो बहुत लंबा टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए। देख लीजिएगा किस साइड में मार्केट मोमेंटम हो रहा है, निफ्टी का एनालिसिस भी कर दिया हूँ छोटी सी, और फिर किन स्ट्राइक प्राइस में हम ट्रेड करेंगे ये भी आपको बता दिया। आई होप कि मॉर्निंग अपडेट वीडियो आपको सबको काम पे आ रहा है। जिनको काम पे आ रहा है प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हाँ सर, ये वीडियो कंटिन्यू बनाते रहिए, हमारा बहुत काम आ रहा है। नोट करके रखिए, थोड़ा सा अपना समझदारी के साथ ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।